तो हम कैसे पहनते हैं? मुझे अपनी बीवी से प्यार नहीं, मुझे अपनी बीवी से प्यार है तो उन्हें टैटू बनवाया बस। कृपया ये व्लॉग को एंड तक देखें ताकि इसके रेवेन्यू से रिपेयर हो पाए। ये गेस्ट आते हैं घर के अंदर, पहले उनके लिए रखा जाता है सब कुछ, ठीक है। ये साला गेस्टों का खाना खोल खोल के पहले खुद खा रहे हैं, हमारी पेट पूजा हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। शाबाश, थोड़ा परोसेंगे भी अब जरा आगे जा करके। मम्मी को दे। रोटी के लिए चिमटा कम पड़ जाए, कोल के लिए नहीं पड़ना चाहिए। कौन जीता? जीता उन्होंने कहा चिंटू जीता, कहे नहीं ये कभी जीता कभी नहीं। ओए अरोड़ा क्या है? सही चला, मुझे मालूम है। हम लोग खेलते हैं, हां मांग बता खेलता हूं, उसमें भी मैं जीतू या ना जीतू पता भी नहीं, वो भी नहीं पता। दोस्तों दिवाली की पार्टी हो गई है भयंकर ज्यादा, और अभी जा रहा हूँ वर्कआउट करने एक दोस्त के साथ, वो ट्रेनर है यहाँ पे अपना विकासपुरी एरिया में और पीटी वगैरह भी देता है। तो जरा आओ आज मैं आपको वर्कआउट कराता हूँ। मैंने कहा चल भाई आज करते हैं वर्कआउट, तो जो जोश में निकल तो गया हूँ 11:30-11:15 को। मैंने कुछ खाया नहीं था अभी तक, तो एक केला खा के निकल गए। अभी आ रहा है भाई, लेके जाएंगे 25 मिनट जिम में। आज हल्का उल्का वर्कआउट करेंगे या तो वर्कआउट कराएंगे या मैं उसका टाइम खराब करके लाऊंगा वापस, कुछ तो एक होगा आज। भाई एक टाइम था दिल्ली में नारियल पानी मिलकर राजी नहीं होता था, दूर दूर जाके लेना पड़ता था। अभी तो ऐसा दिल्ली बैंगलोर कुछ शायद बैंगलोर ज्यादा नारियल दिल्ली में आ रहा है इस वक्त। Hey guys, two brothers are going for the workout today. Heavy metal workout is gonna happen today. भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे चोट है। कहाँ पे? मेरे इधर रिफ्लेक्सर में चोट है। अरे वो तो हो जाएगा, डोंट वरी। क्या क्या करेंगे? ज्यादा दिन 45 मिनट्स। हाँ 45 मिनट, एक घंटा। या फिर उसके बाद? उसके बाद सीधा कचौड़ी। कचौड़ी। तो दोस्तों यार हम जिम पे जिम की तरफ जा रहे हैं, और सामने क्या चल रहा है? ये बंदा जिम के रास्ते में किसको दिखाई देता है यार ये सब चीजें? अचानक से इसको ओवरटेक करके रोक के बनवा ले दो दो प्लेट। आज हैवी वर्कआउट का दिन है अंकित महल के साथ। भाई ने जिम का दरवाजा ही बंद कर दिया, क्या कह रहा आज तोड़ूंगा तसल्ली से आ जाओ। मैं पता नहीं कितने टाइम बाद जिम आया हूं भाई, मैंने देखा ही नहीं अपने आपको जिम में कभी। कम से कम 1.5-2-2.5 साल होगा मेरे को। जरा शर्मा जाता है, बोलता नहीं है। मेरे से कह रहा था आपको शर्म नहीं आती बोलते बीच बीच में। मेरा हो गया आज का, मैंने मारे 4 डंबल। मैंने कहा चल भाई अब चलते कहाँ, अमृतसर ही नान एक एक हो जाए, एक एक बलजीत कुलचे वाला, बलजीत कुलचे वाले पे एक एक नान हो जाए। हो गया जिम, हमने करा, बहुत मजा आया। एक बेसिक मन को खुशी दे दी कि आज शरीर हिल चुका है। पैसे मिल रहे हैं, ये नहीं कि मना कर दे एक बार को, कह रहे मम्मी को पकड़ा देना। मेरा हो गया, चलो जी आ गया भाई दिवाली निकल तुम्हारे। अभी तक तेरे क्यों नहीं आया? कितने किसको देने हैं बताओ? ये इस एक बार इस कमरे में नहीं आई, जैसे ही पैसे बटने की बात आई अपनी चोटी बना दे घुसाई अंदर। देखो जरा कह रहे फैंटम, तेरे दांत दिखाई, जरा तेरे दांत दिखा, तेरा दांत दिखा, तेरे दांत दिखा पहले एक कर ये आकर। वाओ दो गाइस वाओ, कुछ नहीं व्हाट तुम कुछ नहीं। अरे पुता त्रो से कोकोनट मुंह में से ए सुनने में आकल कितनी टट्टी करी इसने। इधर आइयो। हेलो कल भरसा कर, कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा भाई। अरे हगाड़, अरे तो पूरा पड़ो ना, मैंने कुछ कल ये पौने 2 किलो का हग्गा मार के आया। अच्छा आज कसम से बहुत हगा है, नोनू बता रहा, नोनू घर पूरा पहाड़ बना के आया नीचे जाके। तो करण आया है घर, जो जो लोगों ने पुणे में करण को मिला था अब पुणे शिफ्ट हो गया गुड़गांव, अरे करण शिफ्ट हो गया गुड़गांव। और भाई लाया घर पे गिफ्ट बहुत तगड़ा, तो पता नहीं क्या लाया, पर जो भी हमारे रिश्तेदार से अच्छा तो करण लेके आया। डाल दिया वाला, डाल दू ब्लॉग में। एक ये लाया करण हम लोग के लिए और ये पापा के लिए। तो करण को ले आया हूँ पहली बार, भाई खुश हो गया दिल्ली की रौनक देख के। कह रहा गुड़गांव तो कचरा है, कुछ भी नहीं चल रहा वहाँ पे। और सीधा छूटते लाया रेड हॉट जिसमें अक्सर आते रहते हैं, यहाँ से मोमोज सामने, मोमोज संग राम लड्डू। अभी उम्मीदों की नजर से देखते हैं करण, ये राम लड्डू दिखाना कैसा है? यही तो है, ये देख के ध्यान से लपेटो, जरा लपेटो कैसा हो रहा है। फोन मेरे को दे दे, फोन दे दे। हाँ ऐसा करना, कैसा हो रहा है? सही हो रहा। मोमोज और राम लड्डू के बाद सोडे की भी जरूरत पड़ती है शरीर को, बढ़ती है नहीं बढ़ती है।
सवेरे जिम शाम को केक, बीच में बल्ले पापड़ी, बीच में अमृतसरी कुलचा। भाई थैंक यू, हाय बर्थडे, हाय हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ब्रो। भारतीय टीम के कोच जैवलिन के, जब भी कोई मैच जीतता उसका हुक्का यही बनाते हैं। भारतीय टीम का कोच मैच जीतने के बाद इनका काम है हुक्का, हुक्का स्पेशलिस्ट, किसी भी ठंडे से ठंडे कोल को गर्म करे। निखिल निखिल चोपड़ा के हुक्के। दिखाइए जरा अंकित, दिखाइए अंकित, दिखा दो अंकित, अंकित अंकित शो योर फेस। अरे हे चिंटू यार, तू तो ज्यादा अच्छे जानता भी नहीं, तू क्यों लगा रहा ज्यादा रस्ते ज्यादा दोस्ती यारी बना रहे, हम नहीं लगा रहे, ये बीड़ में आप साफ कर रहा है। दो दिन बाद तो मिला है, केक लगा रहा है, उन्हें पकड़ लेना एक बार। तो मेरा कुछ उम्र है दोस्तों, देखो डिलीवरी सिस्टम यहाँ पे अपना बना पड़ा है, अपना विकासपुरी के अंदर ऊपर से टोकरी छोड़नी है, नीचे सीधा बंदा नीचे। करण कैसा लग रहा है, दिल्ली का कल्चर है, मजेदार है, पुणे से बैठ रहे नहीं। और पर इससे ऐसी लाइटिंग होती है दिवाली में, पुणे में नहीं होती ना ऐसा माहौल वाल, दिवाली में फील अलग है, दिल्ली दिवाली में अलग ही फील है भाई। दोस्तों रात को लच्छे पराठे मंगाए गए हैं, क्योंकि बंदे ने कहा हम रुमाली नहीं खाएंगे। ये देखो इस थैली में आ रहे लच्छे, ब्लॉग की डिमांड आई है। मेरा भाई उठ गया, मेरा भाई नींद मार के उठ गया, कैसा लग रहा है वो वाली फीलिंग ही चल रहा है कि यार सो गया यार। वो वाली फीलिंग आई, देखो भाई पूरा कुर्ता प्रेस प्रेस करके आए थे सब पे खराब। ब्लॉग की डिमांड आई है, एक ब्लॉग बनाने हम जा रहे हैं, आप लोगों को मजा आ जाएगा, देखो दिवाली का टाइम पे ऐसी चीज दिखा दूंगा खुश हो जाएगा, तुम्हारा दिल खुश जाएगा। और जाए ब्लॉग बना के आते हैं, तो घूम आराम से, पानी चाहिए, पानी देना नहीं भेजो, उम्मीद नहीं है बिल्कुल। अरे आ जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लॉग अभी बनेगा दोस्तों, सो के उठा तू भी है, ये देखो हड हरामी, इसको कहते हैं लाइफ, लाइफ विद नो पर्पस एंड फुल एंजॉयमेंट। सवेरे से हम सब लोग वही जिंदगी जी रहे हैं, मैं और करण और एक हमने दोस्त अपने किसको पकड़ा था, नितेश को ना, हम तीनों जाकर के भाई पूरी गेड़ी मार गया, रजौरी का चक्कर चक्कर वक्कर मार के कॉफी शॉप पे कॉफी पी रहे दिवाली के दिन, और ऐसे घूम रहे यार, कुछ काम ही नहीं है यार पूरा 3 घंटे। बंदे को देखा जो कार में हुक्का मार रहा है। हाँ भाई एक बंदा गाड़ी में हुक्का मार रहा है, चलती गाड़ी में हुक्का चल रहा था, मैंने देखा स्नैपचैट को देखा। हाँ तेरी स्कूटी का व्लॉग बनाएंगे, आ जाओ, मजाक नहीं सच में बनाएंगे, आ जाओ। इतनी लैंड हो रखी है, सूख गई है चिड़िया की टट्टी, सूख गई है ऐसी स्कूटी, वो जो मनी ने जो भी नहीं बोला था कौन सी गाड़ी, गाड़ी के बारे में बोला था ना, उसकी गाड़ी आज इसकी स्कूटी वही रखे दिखाते। ये रहा निखिल जिसको आप लोग कहते हैं वाह अभिषेक उपमन्यु की तरह दिखता है, इसकी स्कूटी थी, अभिषेक उपमन्यु का गाड़ी है। ये देखिए दिवाली के दिन माशाल्लाह, और ऐसा नहीं है कि ये स्कूटी ये ताजी है, ये महीनों से पड़ी हुई है यहाँ पे, ये देख रहे हो, वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्कूटी ही ऑल द वे अराउंड। ये स्कूटी थोड़ी टेढ़ी होकर खड़ी होती है, इसलिए चढ़िया ने इस तरफ टट्टी मारी दबा करके, है ना, ये वाली साइड फिर भी साफ है क्योंकि इस साइड नहीं, पर यहाँ भी यहाँ चिड़िया ने घुस घुस के मारी है, देखो हल्की हल्की इधर कहाँ पे, तो बता दो क्या दे रहे थे आप, क्यों 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 नहीं साफ होती, अरे वाह माशाल्लाह एकदम टीका लगाया सामने, देखो ये रहा ये बकायदा तिलक अभिषेक सामने तो करो, ये देखिए दबा के, और ये बिल्कुल एकदम डेंटिंग पेंटिंग करके रखी हुई है। अरे एक्सक्यूज देर तो मैं कहता हूँ स्कूटी में पेट्रोल तो है, सर्विस है गाड़ी में, और क्या चाहिए आपको, उधर धक्का रहा ना बाप साहब कराता रहूंगा मैं, तो हम भी सवेरे जब अगर कभी टॉयलेट भी जाते इसमें टट्टी करके चले आते हैं ना, तो हम कैसे रखते हैं, हम करवा देते इसके ऊपर टट्टी, इसके ऊपर पॉट है, ये डब्बा खोल ये वाले क्षेत्र में अंदर वाले के अंदर हमक देते हैं। पाब्लो कितना होगा कल, पहाड़ बना दिया तो उसने, तो कल तो अगर कल उसने घर पे कर दी होती ना तो उठाते रह जाते सब, पाब्लो पाब्लो की टट्टी हमने जब शुरू शुरू में उठाई थी ना हम करके लेके जाते थे। दोस्तों ये एक हमारा खोसला घोसला वाला प्लॉट जो सन 2001 में लिया गया था, यहाँ पे आके रहेंगे, यहाँ हर साल आते दिया जला के वापस, साड़ा प्लॉट प्लाट ही प्लाट, ये वाला इलाका जहाँ लिखा नहीं होता प्लाट ही प्लाट। भाई ये गरम किराएदारों को दे रखा था, अभी 2 दिन पहले वो छोड़ के चले गए, और छोड़ने के बाद बताया हमने छोड़ दिया है, चाबी ले लो पेट्रोल पंप पे आके, तो ले ली, और अभी पूरी भसड़ वाला है, नोनू तो किलस गया पूरा, नोनू कह रहा था साफ कर दिया था पूरा गंदा कर दिया, क्या कहना चाहते किराएदार को, अगर वो देख रहे हैं हम लोग, छोड़ दिया भाई बहुत बड़ी बात है।
भाई किराएदार अगर अटक जाए तो नहीं जाता, फिर तुम उसके हाथ जोड़ते हो निकलने के लिए। भाई एक बार तो एक किराएदार नहीं फंस गई थी हमारी, मैं उसको निकलवाने गया, उन्होंने ऐसा हाथ ले मुंह पीटना शुरू कर दिया नानी के घर में ना, नानी यही कुछ नहीं कोर्ट लाइन में क्या काम है यही ना, यही हमारे किराएदार नहीं फंस गई थी नानी के घर में, निकल नहीं रही। तो मैंने कहा, मैं गया उसके घर, मैं कहा आंटी निकलो मैं नहीं जा रहा, मैं उन्होंने मुंह पीटना शुरू कर दिया मैं स्कूटर की किक मार के भगा हुआ जा रहा भाई, मैं तो स्कूटर की किक मार के भगा, कोई हद हिसाब नहीं है। दोस्तों ये घर हमने एक तबला वादक को दिया था, एक घर का ऐसा तबला बजा के गया ना। कृपया ये व्लॉग को एंड तक देखें ताकि इसके रेवेन्यू से रिपेयर हो पाए। क्या और कहते हैं ये आरती के टाइम पे नींद मार रहा है, एकदम सीधे होकर बैठेगा साहब, सीधे होकर बैठ, बैक स्ट्रेट। इस बार तो पटाखे बैन हो गए, इलीगल। तेरा तेरा टैटू दिखाइए एक बार, दिखा दो टैटू, दिखा तो दे भाई, है तो भाई नहीं अपना। कंटेंट आ गया नया। अबे अबे क्या कर रहा है? ट्रिम है, ट्रिम है। ट्रिमर किस चीज का? बाल हटाए हैं ट्रिमर तो नॉर्मल। इतना एरिया टैट है, हाईलाइट हो मेरी बीवी का नाम। मैं को भी लगा कि तो प्यार करता है तू। नहीं नहीं इज्जत रख लो। सिर्फ पॉलिनेशन टैटू है, अभी पूरा नहीं बना, ये अभी पूरा बनेगा। तूने मुझे इतना प्यार नहीं ना नामों से भी अपनी बीवी से प्यार नहीं। ओके गाइस, सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेस व्लॉग, आई होप यू लाइक द व्लॉग, वी आर वेरी क्लोज टू 3 लाख सब्सक्राइबर्स, अगर हो जाए तो बहुत मजा आ जाए इसी महीने के अंदर। थैंक यू सो मच, न्यू व्लॉग विल बी आउट वेरी सून, एंड हैव यू गाइस सीन क्या स्पीड में मैंने रेगुलर व्लॉग की लड़ी लगा दी भाई साहब।